बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लेकर आई हूँ मज़ेदार भिंडी की रेसिपी, जो बहुत छोटी सी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी है। यहाँ मैंने ली है एक अदद प्याज, उसको मैंने बारीक से काट लिया है। इसको हम कर लेंगे ब्राउन। जब ये ब्राउन होगी तो फिर इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे। वाइट प्याज में मसाले ऐड नहीं करेंगे, वरना ये एंड तक वाइट ही रहेगी और भिंडियों में जो वाइट प्याज है वो अच्छी नहीं लगती। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से बनाइएगा तो आपकी भिंडी भी बहुत मज़ेदार बनेगी और बहुत ही लजीज। यहाँ देखिए प्याज इस तरह से ब्राउन हो गई है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है इसको ब्राउन, बस इतना ब्राउन करना है जितना कि मैंने इसको ब्राउन किया है। अब इसमें डाल देंगे हम मलेर की मिर्चें, या आप कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप कम खाते हैं तो कम डाल लीजिए, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा। यहाँ मैंने लिया है एक अदद टमाटर, जिसको बारीक से काट लिया है। अगर आप भिंडियों को खट्टा बनाना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो खट्टा पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इसमें थोड़ा सा इमली का जो पल्प है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ली है भिंडियाँ और मैंने भिंडियों को अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इनको ड्राई करने के लिए रख दिया था, और जब ये ड्राई हो गई थी तो फिर मैंने इनको कट किया था इस तरह से। तो इनको बहुत सफाई से कट करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं काटी हैं, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं काटी हैं, और मैंने इनको नॉर्मल साइज़ की काटी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बात का ख्याल रखिए, भिंडियों को आप कभी बनाएं तो उनको लाइट फ्लेम पे बनाएं। भिंडियों को कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं बनाना चाहिए, लाइट फ्लेम पे बनाते हैं भिंडियों को। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। हसबे जायका नमक डाल देते हैं इसमें। हाफ टी स्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, जिसको मैंने रोस्ट कर लिया था, और रोस्ट करने के बाद मैंने इसको पाउडर बना लिया है। इसको वेजिटेबल में ज़रूर डाला करें। यहाँ मैंने लिए हाफ टी स्पून कुटी मिर्ची, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद इसको हम केप लगाकर आधे घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि भिंडियाँ जो है आधे घंटे बाद रेडी हो जाती हैं। यहाँ भिंडियों का पकते हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसको चेक करते हैं, क्योंकि बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए मज़ेदार सी भिंडियाँ हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खुशबू पूरे घर में महक रही है। तो ये बनके रेडी हो गई हैं, जो बहुत ही मज़े की बनी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ। अब इसको हम कर देते हैं डिश आउट। ये देखिए मज़ेदार और खुशबूदार जो भिंडी हैं वो बनकर रेडी हो गई हैं। तो यकीनन आपको पसंद आई होगी आज की रेसिपी, क्योंकि सबकी रेसिपी अलग अलग होती है, सबका तरीका बनाने का अलग होता है। इनको साबुत भी बनाया जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भिंडियाँ हैं वो क्रिस्पी बने तो आप इसमें टमाटरों को स्किप कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भिंडियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी बने तो आप उसमें फिर टमाटर ऐड कर दें। अगर आप चाहें तो आप में टमाटर दो भी डाल सकते हैं, तीन भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा जूसी चाहिए तो। तो आज की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, जो आप इसको पराठे के साथ खाइए, आप इसको रोटी के साथ खाइए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और मुझे सपोर्ट भी किया करें। तो चलती हूँ, फिर लेकर आती हूँ आपके लिए अच्छी सी वीडियो। जब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।